नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। आशा हॉस्पिटल एंड पैरा मेडिकल कॉलेज का आज सत्र समाप्त होने पर छात्र छात्राओं ने पुरस्कृत किया गया। आप देख रहे हैं आशा हॉस्पिटल के स्वामी उनको छात्राओं को सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र और छात्राएं यहां पर मौजूद हैं, जिनको आयशा हॉस्पिटल के मालिक उनको सम्मानित कर रहे हैं और साथ में हैं उनके नजीबाबाद की जानी मानी हस्ती जो उनको साथ में सम्मानित कर रहे हैं। इसी क्रम में आज छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम किए, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर दर्शकों का मन मोह लिया। बड़ी संख्या में आयशा मेडिकल कॉलेज के छात्राएं यहां पर मौजूद हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लोगों का मन मोह रहे हैं। एक साल में उन्होंने क्या क्या सीखा, ये सारा प्रदर्शन आज यहाँ पर कर रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्राएं रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं और अपनी कला का जलवा मना रहे हैं। यह छात्राएं हैं मेडिकल कॉलेज की होनहार छात्राएं जो यहाँ स्टेज पर रंगारंग कार्यक्रम कर रही हैं। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। नजीबाबाद का जाना माना हॉस्पिटल आयशा हॉस्पिटल, जहाँ पर हर वक्त लोगों का आना जाना लगा रहता है, भारी संख्या में यहाँ पर मरीज आते हैं। डॉक्टर दिलशाद अहमद उनकी अपने बच्चे की तरह सेवा करते हैं। इन्होंने नजीबाबाद को एक नया आयाम दिया है, जिसमें मेडिकल कॉलेज खोलकर छात्राओं को आगे बढ़ा रहे हैं, दिल्ली में भेज रहे हैं। और आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक यहाँ पर बैठे हैं और ये छात्र हैं छात्राएं हैं जो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और अपने नजीबाबाद का नाम रोशन कर रहे हैं। आइए आप इतना बहुत ही जोश हो गया, आप शहनाज हो गया, प्लीज तालियां बजाते रहें। के फूल गिर जाते हैं जब तुम आती हो, के फूल गिर जाते हैं जब तुम आती हो, अंधी हो गए कमलों से जो टकराती हो। तो जी इरशाद, जिन्हें कोयल समझा वो कोवा निकला, जिसे कोयल समझा वो कोवा निकला, आज उनकी जेब में कोवा निकला। बोला कि जब मैंने दरवाजा खोला, आपकी आंखों में आंसू, चेहरे पर हंसी, दिल में बेबसी थी। जब मैंने दरवाजा खोला, आपकी आंखों में आंसू, चेहरे पर हंसी, दिल में बेबसी थी। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप भी उंगली दरवाजे में फंसी थी। दिल से दिल लगाकर तो देखो, कोई अच्छा दोस्त बनाकर तो देखो। दिल से दिल लगाकर तो देखो, कोई अच्छा दोस्त बनाकर तो देखो। लोग उठ उठ कर कभी मिलेंगे तो कभी अच्छे साथों से नहाकर तो देखो। आपकी शान में मैं दो लाइन और अर्ज करना चाहूँगा। कायनात की सारी खुशियाँ आपकी तरफ छोड़ दूँ, आप कहें तो कायनात की सारी खुशियाँ आपकी तरफ छोड़ दूँ, आप कहें तो चांद सूरज को भी मोड़ दूँ, इतना काफी है, दो तीन झूठ और बोल दूँ। कसम से पूरी की पूरी एम्बुलेंस लगती हो, और एम्बुलेंस तो घायलों को ले जाती है, लेकिन तुम तो घायल करके ही चली जाती हो। वो तो उनका काम है, जरा थोड़ी एक मैं डिसेंट की शायरी यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी APJ अब्दुल कलाम बन सकता है, अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। वक्त की आंधी में हालात बदल जाते हैं, उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में हालात बदल जाते हैं। सोचता हूँ काम करके रिकॉर्ड तोड़ दूँ सारे, सोचता हूँ काम करके रिकॉर्ड तोड़ दूँ सारे, लेकिन कमबख्त सैलरी देखते ही ख्यालात बदल जाते हैं।
का और फैकल्टी का आज के इस फाउंडेशन डे प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। हमारा ये आयशा नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज 2016 से लोगों की सेवा कर रहा है और हमारे यहाँ पर जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ओटी टेक्नीशियन और ईटीसीटी इमरजेंसी ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन के ये नर्सिंग और पैरामेडिकल के कोर्सेज संचालित हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों लेकर के जाएं और देश के बड़े बड़े अस्पतालों में, दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में काम करें, जैसा कि पहले कर भी रहे हैं। हम चाहते हैं कि जाति धर्म सबसे ऊपर उठ करके मानवता की सेवा करें और अच्छी एजुकेशन हासिल करें और देश का और अपने माता पिता का और क्षेत्र का नाम रोशन करें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने बताया मेडिकल के क्षेत्र में जो उनकी भूमिका है वो बहुत सराहनीय है और हम आशा कर रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं उनका भविष्य स्वर्णिम हो और डॉक्टर साहब को और सभी छात्राओं को बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम ये कहना चाहेंगे कि जिस मेहनत के साथ डॉक्टर साहब इस फाउंडेशन को चला रहे हैं उसी तरह से स्टूडेंट भी उसी मेहनत के साथ इसमें शिक्षा ग्रहण करें और नजीबाबाद का नाम रोशन करें मेडिकल के क्षेत्र में, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर है आज की तारीख में मेडिकल का होना। तो सभी से गुजारिश है, सभी से रिक्वेस्ट है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि अच्छे से वो पढ़ें और नजीबाबाद का नाम रोशन करें। और डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। धन्यवाद।